Hello dear children, how are you bitte? I hope you all are safe and sound bitte. Okay, we are going to read the third part of your lesson number 2 from literature, The White Elephant. The third part of this chapter, The White Elephant. Okay. Now the king was a good king. Now, the king had captured the white elephant. The white elephant था, वो king के पास था. अब जो white elephant है वो उसको अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, because he was very sad about his mother. वो सोच रहा था कि क्या उसकी माँ उसको खाना कौन देता होगा, वो कैसे रहती होगी. कुछ दिन के लिए तो वो राजा के पास बहुत अच्छे से रहा, बट उसको एकदम से अब याद आई अपनी माँ की. फिर राजा के जो स्किलफुल ट्रेनर्स थे उन्होंने कहा कि महाराज, वाइट एलिफेंट ने तो खाना पीना छोड़ दिया है. तो राजा को बहुत टेंशन हुई एंड ही केम टू हिम और उससे पूछा, रीज़न पूछा कि गुड एनिमल, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप भूखे क्यों रह रहे. नाउ द किंग वॉज अ गुड किंग. तो जब उसने अपना रीज़न बताया, एलिफेंट ने अपना रीज़न बताया कि महाराज, मुझे मेरी माँ की बहुत टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है कि वो कैसी होगी, शी इज ओल्ड एंड ब्लाइंड. नाउ द किंग वॉज अ गुड किंग एंड ऑल दो ही बैडली वॉन्टेड द एलिफेंट फॉर हिमसेल्फ, ही सेड एट वंस, नोबल एनिमल, योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू शेम. आई गिव यू योर फ्रीडम टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस. राजा बहुत अच्छा था. Although he badly wanted the elephant for himself. हाँ, हालांकि वो चाहता था, उसकी बहुत दिल की इच्छा थी कि वो एलिफेंट उसके यहीं रहे, उसके साथ ही रहे. उसने एकदम से कहा, राजा ने कहा, नोबल एनिमल, हे बहुत नेक बहुत प्यारे एनिमल, योर गुडनेस पुट्स mankind to shame. आपकी अच्छाई ने हम मनुष्यों की, हम आदमियों की, हम लोगों को शर्म ला दी है, हमें शर्म महसूस हो रही है. आई गिव यू योर फ्रीडम टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस. मैं आपको आपकी फ्रीडम वापस देता हूँ, आप अपनी माँ के पास अभी के अभी वापस जा सकते हैं. द एलिफेंट थैंक द किंग विद ए लाउड ट्रम्पेटिंग एंड लेफ्ट द सिटी एंड वेंट क्रैशिंग बैक थ्रू द फॉरेस्ट. और राजा का थैंक यू किया एलिफेंट ने, कैसे, विद ए लाउड ट्रम्पेटिंग. ट्रम्पेटिंग जोर से, वो जो उसने स्क्वील किया, चिंघाड़ा, लाउड ब्लेयर, एंड लेफ्ट द सिटी, और वो उसने शहर से निकला वो बाहर, एंड वेंट क्रैशिंग थ्रू द फॉरेस्ट. क्रैशिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से एकदम से बहुत ही फास्ट वो निकला, ग्रेट एट अ ग्रेट स्पीड वो वहाँ से निकला, जंगल से होता हुआ. व्हेन ही रीच्ड द केव ही फाउंड टू हिज जॉय दैट हिज मदर वाज स्टिल अलाइव. जब वो उस गुफा के पास जहाँ पे उसने अपनी माँ को रखा था, ठहराया था, वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी माँ अभी भी वहाँ पे थी, जिंदा थी, और वो बहुत खुश हुआ. आह माय सन, शी सेड व्हेन ही टोल्ड हर हिज स्टोरी. जब एलिफेंट ने अपनी कहानी अपनी माँ को बताई तो बोली, अरे मेरे बेटे, यू शुड हैव लिसन टू मी, आपको मेरी बात माननी चाहिए थी. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज ब्रॉट हार्म टू अवर रेस. ह्यूमन बींग्स हमेशा, ये लोग हमेशा हमारे जो ग्रुप हैं, हमारे जो हम एनिमल्स जो हैं, हम जानवर जो हैं, हम लोगों को वो हमेशा ही नुकसान पहुंचाते हैं. नॉट ऑल ऑफ देम मदर, ही सेड ट्रम्फेटिकली, ट्रम्फेटिकली सक्सेसफुली. उसने बोला वाइट एलिफेंट में, माँ सारे नहीं करते ऐसे, सारे ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं करते हैं. द किंग इज नोबल एंड जनरस. वो राजा बहुत ही नेक थे एंड जेनरस. वो राजा बहुत ही नेक हैं और उदार दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं, जेनरस हैं. जेनरस मीन्स बड़े दिल वाले. एंड और आई शुड बी इन द कैप्टिविटी, नहीं तो मैं अभी भी वहाँ पे राजा के इम्प्रिजनमेंट में होता. कैप्टिविटी मीन्स इम्प्रिजनमेंट, जेल, वहाँ की कैद, उसकी कैद में होता मैं अभी भी. नहीं तो माँ, Let us forget the treachery of the forest and think only of the king's goodness. तो उसने कहा कि माँ कोई बात नहीं, चलो भूल जाते हैं ये जो treachery, cheat, धोखा,
जो फॉरेस्टर ने हमारे साथ किया उसको भूल जाते हैं और सिर्फ राजा की अच्छाई को याद रखते हैं माँ। तो इस तरह से एलिफेंट अपनी माँ के पास पहुँच गया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस विल बी अपलोडेड ऑन गूगल क्लासरूम बेटा। नाउ वन एक्सरसाइज इज देयर, यू विल फाइंड इट ऑन योर बुक्स बेटे। बी पार्ट इज देयर, इंसिडेंट इज गिवन, दिस इज द इंसिडेंट। इस इंसिडेंट का एलिफेंट का क्या रिएक्शन रहा, क्या कैरेक्टर, कैसा कैरेक्टर शो करता है वो, मदर रिएक्शन कैसा रहा, मदर का कैसा कैरेक्टर है, ये इंसिडेंट के बेस पे ओके हमने इनको फिल करना। एलिफेंट्स रिएक्शन, इंसिडेंट क्या था, वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस। जब उसने एक आदमी की आवाज़ को, जो दुखी आदमी था, डर रहा था, घबरा रहा था, उसको सुना तो कैसा रिएक्शन रहा एलिफेंट का, वो उसकी हेल्प करना चाहता था। कैसा कैरेक्टर हुआ उसका, मतलब किस तरह का कैरेक्टर हुआ, वो हेल्पफुल था दूसरों की मदद करने में। मदर का कैसा रिएक्शन रहा, मदर ने मना किया कि बेटे मत जाओ वहाँ पे। कैसा कैरेक्टर है मदर का, सस्पिशियस, एक्सपीरियंस्ड, वो डाउट कर रही थी कि पक्का ये धोखा करेगा। वैसे ये दूसरे जो नेक्स्ट है बी पार्ट, ये हम लोगों को करना बेटे, ये तो ये किया हुआ इन्होंने पहले अपने लिए, आपके लिए। इंसिडेंट है द फॉरेस्टर इन्फॉर्म्स द किंग अबाउट द वाइट एलिफेंट। फॉरेस्टर ने वो वाइट एलिफेंट के बारे में किंग को इन्फॉर्म किया, ठीक है, ये इंसिडेंट था। फॉरेस्टर के थॉट्स क्या थी, वो एक्चुअली इन्फॉर्म द किंग प्लस गेट्स रिवॉर्ड। यू कैन ऑल्सो राइट गेट्स रिवॉर्ड। Gets reward, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Then character कैसा है उसका, greedy and cunning, चालाक था वो, बहुत ही लालची था। King's thought क्या थी, wants a good animal, वो एक अच्छा animal चाहता था अपनी ride के लिए। दूसरा King's character क्या था, ambitious, उसकी इच्छा थी कि मेरे पास एक अच्छा animal। You need to fill them बेटे। Next we have द इंसिडेंट इज द किंग्स मैन कैप्चर द वाइट एलिफेंट। राजा के लोगों ने एलिफेंट को पकड़ लिया। एलिफेंट की थॉट क्या थी उस टाइम, ही वॉज वरीड अबाउट हिज मदर। मदर की क्या थॉट थी, शी वॉज वरीड अबाउट हर सन। किंग्स का कैसा रिएक्शन था जब उसके लोगों ने पकड़ लिया एलिफेंट को, ये हैप्पी था। फॉरेस्टर का कैसा रिएक्शन था, ही वॉज ऑल्सो हैप्पी बिकॉज ही गॉट ए रिवॉर्ड, उसको इनाम मिला। नेक्स्ट इंसिडेंट है द एलिफेंट रिक्वेस्ट द किंग टू हेल्प हिम। राजा ने जो राजा की उसने रिक्वेस्ट किया राजा को कि आप मुझे जाने दीजिए यहाँ से, राजा ने उसकी हेल्प की, राजा ने जाना दिया उसको। किंग्स रिप्लाई क्या था, ही अलाउड हिम टू गो बैक, उसने राजा ने अलाउ कर दिया उसको। किंग्स कैरेक्टर कैसा, हेल्पफुल एंड अंडरस्टैंडिंग, वो हेल्पफुल था, समझ सकता था उसके बात को। उसके एलिफेंट का कैसे फीलिंग्स थी, ही वॉज थैंकफुल, उसका थैंक यू कर रहा था। दूसरा मदर की कैसे फीलिंग थी, शी वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम बट शी थॉट दैट ह्यूमन बींग्स आर ट्रेचरस। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो चीट करते हैं, वो धोखा देते हैं ओके okay?